गेहूं की बहुत सी प्रजातियां हैं, किस्में जिससे जैसे हम बोलते हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग धरती के हिसाब से, भूमि की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग बीज का चयन करना आवश्यक है। ये भी आवश्यक है कि जो हम बीज सिफारिश करते हैं वो उसका बीज बाज़ार में भी उपलब्ध हो और अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध हो। तो मैं आपको गेहूं के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आज जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गेहूं का क्षेत्र है उत्तर भारत, और ये गंगा का जो गंगा जमुना के मैदान हैं, इसमें दो किस्में बहुत प्रचलित हैं। एक तो PBW 550 और एक PBW 502। इसके अलावा DW 17 और एक राजस्थान की किस्म है नई 4037-4037। ये किस्में जो हैं इनका बीज भी उपलब्ध है, अच्छी भी हैं और इस इलाकों के लिए ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चिंता का विषय ये रहा है कि PBW 550 है, जैसे ये तकरीबन भारतवर्ष के इन मैदानी इलाकों में 70% यही एक किस्म उगाई जा रही है। उसमें ख़तरा ये होता है कि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई कीटाणु ऐसा आ जाए जो इसको बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तो सारा का सारा एरिया एक साथ ख़राब होगा और गेहूं की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि लोग अलग अलग किस्म के बोएं, हमारे पर बहुत सारा क्षेत्र एक ही वैरायटी का ना हो, बीच बीच में दूसरी किस्में आएंगी तो हमें बीमारियों से जूझने में आसानी रहेगी। ये तो हुआ मैदानी इलाकों का। अब जैसे आपने बताया कि अलग अलग जगह, अब जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो हमारा एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो अनुसंधान केंद्र है अल्मोड़ा में, उनकी विवेकानंद के नाम से VL 802 और 804 किस्में हैं। ये पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। और जो इलाका गंगा जमुना मैदानी से नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे विंध्याचल के पास पहुंच जाए, मध्य प्रदेश में पहुंच जाए, तो वहाँ पर ग्वालियर नाम की किस्में 322, 366 ये किस्में बहुत अच्छी हो सकती हैं। और हम जब नीचे जाते हैं तो ऐसा इलाका आता है जहाँ पर मोटे दाने वाली और सूजी के लिए या सेमोलिना के लिए वैरायटीज़ उगाई जाती हैं, और उसमें जो किस्में हैं वो वैसे हैं तो पंजाब की निकाली हुई 291 और 912, लेकिन ये किस्में बहुत अच्छी हैं। इन ड्यूरम वीट्स कहलाती हैं ये, और इनका दाना बहुत अच्छा है, इनकी सूजी बहुत अच्छी बनती है, सेमोलिना बहुत अच्छा बनता है। और भी अगर हम थोड़ा नीचे जाएं कर्नाटका की तरफ या आंध्र प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पर HI नाम की किस्में चलती हैं। एक है 8498-8498 और दूसरी है 8663-8663, ये भी ड्यूरम वीट्स हैं जो हो सकती हैं। और अगर हम तमिलनाडु की तरफ चल जाएं, नीलगिरी और पहाड़ी इलाके जो तमिलनाडु के हैं, वहाँ पर UAS 415 है और एक 1006 नंबर की किस्म है। तो ये सारी किस्में ऐसी हैं जो इनको हम हार्ड वीट बोलते हैं, लेकिन ये सारा उस इलाके में कुछ कम अवधि की और कुछ मोटे दाने की किस्में चाहिए, इसलिए ये वहाँ पर सही है। तो इस तरह से अलग अलग, अब जैसे बिहार में चल जाएं तो वहाँ पर CBW 38 है, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये 2824 है, HD 2824, ये किस्में पूर्वी क्षेत्रों के लिए बिहार के लिए अच्छी हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।